In this video, we will talking about modes of cross-pollination. Okay, there is three modes of cross-pollination, which are as follows. First, anemophily, second, zoophily, and third, hydrophily. In this video, we will discuss only anemophily. So, what is anemophily? Pollination takes place through the air. एनिमोफिली में जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है. तो और इसमें जो फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं उन फ्लावर्स को एनिमोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं हम. तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे एनिमोफिलस फ्लावर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे हम. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर. फर्स्ट, दीज फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉन अट्रैक्टिव. ये जो फ्लावर होते हैं एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं उनकी जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है और ये अट्रैक्टिव नहीं होते हैं. दूसरे फ्लावर्स की तरह कलरफुल नहीं होते हैं, इनमें कोई वैसी स्मेल नहीं होती है. नॉन अट्रैक्टिव होते हैं. सेकेंड, दीज आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ये जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जिसमें सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है. थर्ड, कैलिक्स एंड कोरोला एब्सेंट और वेरी स्मॉल. एनिमोफिलस फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला के जो ये थर्ड और फोर्थ व्हर्ल होते हैं या तो वो एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं. जिससे क्या हो, क्या है कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो. वो निकल जाए आसानी से. फोर्थ, सफिशियंट पॉलन ग्रेन्स. एनिमोफिलस फ्लावर के एंथर में सफिशियंट अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, मेज में नियर अबाउट 2 करोड़ पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं और रूमैक्स में 40 करोड़. ये पॉलन ग्रेन का नंबर है. पॉलन ग्रेन स्मॉल ड्राई एंड लाइट. इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं. और सूखे होते हैं. ड्राई होते हैं. और पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें हवा से उड़ने के लिए इसमें विंग होता है. विंग्ड पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं. पाइनस के केस में. तो ये था मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूफिली के बारे में. ओके, थैंक्स.